ये तस्वीर जेके न्यूज ब्रेक राजौरी पर भी आपको बता रहा है, ये तस्वीर देखिए। जी हाँ, कलर पोटा की अप्रोच रोड। जी हाँ, बताते चले कि अंदरोला ब्रिज की बात करें तो 2014 में फ्लड आने से यहाँ झूला ब्रिज था वो बह गया था। उसके बाद 2014 में तो इस पुल का कार्य शुरू हुआ, लेकिन 2014 में असेंबली इलेक्शन में शुरू हुआ था और 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन हुए और आज तक जो है 2024 में भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस पर लोगों ने रोष जताया और इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से लोगों का रोष, और रोष बनता है कि 10 साल हुए लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ अंदरोला ब्रिज। और तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंदरोला ब्रिज की दूर से देखिए किस तरह से जो है अंदरोला ब्रिज की तस्वीर, एक तरह से अप्रोच रोड कंप्लीट और दूसरी तरफ से अप्रोच रोड की बात करें तो अनकंप्लीट। और लोगों ने गुस्सा जताया, रोष जताया, कहा कि 10 साल जो है, इस 10 साल के बीच कई जो है कीमती जाने चली गई और आने जाने वाले लोगों को बड़ी जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि 10 से 15 पंचायत के लोग इस पर निर्भर और इसकी सुविधाएं लेना चाहते हैं। और आपको बताते चले, लोगों ने कहा कि खुशी और गमी लगी रहती है आपको पता है दुनिया में, लेकिन 10 से 15 पंचायतों के लोग इस समय परेशान, कुछ बुजुर्ग लोग और कुछ बच्चे जो है जिनका आना जाना यहाँ से होता है वो बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर देख रेख की जाए और दूसरी तरफ भी जो है अप्रोच रोड जो है वो बनाई जाए ताकि हमें ये सुविधाएं मिले। लेकिन बड़ी बात, एक बात जो है बार बार लोगों ने कहा कि जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो सुरेंद्र चौधरी जो कि खिता पीर पंजाल के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उनका कहना कि हमारी अब आस उनकी ओर, करेंगे जल्द ही इस पर कार्य, और R&B के मिनिस्टर भी हैं तो इसे जो है पूर जोर अपील करते हैं कि आप इस पर देख रेख कर जो है अप्रोच रोड को कंप्लीट कराएं ताकि हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल हो। देखिए तस्वीरों में दोबारा बताएंगे, ये ब्रिज देखिए अंदरोला ब्रिज एक तरह से बिल्कुल कंप्लीट, जी हाँ अप्रोच रोड, लेकिन दूसरी तरफ पर नहीं कंप्लीट। आखिर क्यों, इस पर जनता जानना चाहती है और जनता चाहती है कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो। उनका कहना था कि अगर जल्द से जल्द काम शुरू ना हुआ तो इस पर जो है 15 से 20 पंचायतों के लोग जो है कर सकते हैं उग्र प्रदर्शन। तस्वीरों में बताएंगे कि किस तरह से लोगों की गुहार और किस तरह से जो है एक तरह से अप्रोच रोड तो बनी, लेकिन हम कहेंगे ये अप्रोच रोड बन तो गई लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, तो कोई अनजान व्यक्ति आ सकता है गाड़ी लेकर तेज रफ्तार में आ सकता है, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उस दुर्घटना को क्यों जो है, उस दुर्घटना की इंतजार में क्यों विवाद बैठा हुआ, क्यों नहीं जल्दी करता ये कार्य जल्दी हो ताकि लोगों की परेशानियों का हल हो। देखते हैं कि इस रिपोर्ट के देखने के बाद और लोगों की गुहार सुनने के बाद किस तरह से होता है इस पर कार्य, वो भी जरूर हम बताएंगे। जिस तरह से लोगों ने कहा कि 15 से 20 दिन तक ना हुआ कार्य तो इस पर होगा उग्र प्रदर्शन। हमारा प्रयास हमेशा होता है कि हर लोगों की ग्रीवेंसीज को उजागर करना और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना और एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचाना अहम रोल होता है हमारा। देखते हैं कि इस कार्य पर किस तरह से होता है कार्य, आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों में। नमस्कार आदाब, मैं हूं राकेश सर, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ राजौरी पर, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। आज दोबारा हम वो खबर छाया करने जा रहे हैं कि 2014 में एक बड़ा फ्लड आया जो कि अंदरोला ब्रिज जो था, जी हाँ झूला ब्रिज था वो बहा ले गया फ्लड। और बताते चले कि 2014 के बाद जो कि अंदरोला ब्रिज का कार्य शुरू तो हुआ लेकिन आज तक जो है इसका कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। लोगों को आए दिन आ रही है परेशानी। बताते चले कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अंदरोला ब्रिज की बात करें तो एक तरफ की बात करें तो वहां पर अप्रोच रोड जो है वो तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार तैयार, लेकिन दूसरी तरफ जो है
तैयार नहीं। लोगों को आए दिन आ रही है परेशानी और बताते चले कि लोगों का कहना कि एक तरफ से अप्रोच रोड तैयार हुई और दूसरी तरफ जो है नहीं। इससे साफ जाहिर है कि विभाग की कहीं ना कहीं मिलीभगत की इस कार्य को धीरे किया जाए। हम इसलिए कह रहे हैं कि बताते चले तो चीफ इंजीनियर की बात करें तो एक साल से यहां तक बात है कि उन्होंने विजिट तक नहीं किया। एक्शन की बात करें तो कालाकोट की तो उन्होंने भी यहाँ विजिट नहीं किया। लोगों की सुध लेने यहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन लोग आए दिन जो है परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपको बताते चले एक ये जो ब्रिज है ये मात्र सहारा 10 से 15 पंचायतों का, और बताते चले कि कोई भी दुख सुख होता है तो किस तरह से लोग यहाँ से गुजरते हैं। और कुछ लोग जो है एक तरफ अप्रोच रोड से आते हैं और जब दूसरी तरफ देखते हैं तो अप्रोच रोड नहीं, तो सीधे सीधे कहते हैं कि ये अंदरोला ब्रिज नहीं बना, ये अंदरोला स्विमिंग पूल बना है। और इनका कहना है कि जब भी कोई दुख सुख होता है तो हमारे बुजुर्ग लोग और जो लोग जो है चलने में जो है जिन्हें दिक्कत होती है वो इस लगातार परेशान, इस ब्रिज से परेशान। जी हाँ, हम जरूर कहेंगे कि इस ब्रिज को बनाने में ठेकेदार ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ठेकेदारों के बिल पर कहीं ना कहीं जो है रुकावट, वो रुकावट आपको बताते चले हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, उस पर हमें पता चला कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली जो करेक्ट नहीं है, उनको करेक्शन करने में जो है कितना समय लग गया। और उस करेक्शन को ठीक करने में अगर विभाग इतना समय लगा रहा है तो आप जान सकते हैं कि कितनी लापरवाही, और लोग किस तरह से जो है हाहाकार कर रहे हैं कि आखिर ब्रिज तो दिया लेकिन सुविधाएं कौन देगा, आखिर इसको कंप्लीट करने में क्यों विभाग जो है सुस्ती बरत रहा है। और एक बड़ी बात, जिस तरह से आपको पता कि असेंबली इलेक्शन हुए 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से बताते चले ना खिता पीर पंजाल की बात करें तो सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और लोगों के मन में एक आस जागी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और साथ साथ आरएनबी की बात करें तो उन्हें ये विवाद भी मिला। और लोगों का अब एक ही सोच बन रही है कि आप सुरेंद्र चौधरी इस पर जल्द से जल्द करवाएंगे कार्य और हम लोगों की मुश्किल जो है उस मुश्किल को हल करने में अहम रोल निभाएंगे। और हम अपने चैनल के माध्यम से जो है खिता पीर पंजाल की बात करें तो खासकर अंदरोला और चकली के लोगों की बात करें, कल्लर के लोगों की बात करें तो एक बड़ा एक जो है विश्वास उठा है सुरेंद्र चौधरी तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर यूटी के और साथ साथ आरएनबी के मिनिस्टर। जी हाँ, अब सुध लेंगे हम लोगों की। और उन्होंने कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे खिता पीर पंजाल का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ आरएनबी मिनिस्टर और अब सुध लेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल जो है इस चक्की में हम पिसते रहे कि कब पुल तैयार होगा और हमारी परेशानियों का हल होगा, लेकिन परेशानियां आज तक जो है उनका हल नहीं हुआ। अब एक जो है नया जो है मन में आस जागी है लोगों की कि जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी के प्रति देखते हैं कि किस तरह से वो इस कार्य को लेते हैं अपने आड़े हाथों और किस तरह से लोगों की सुध लेते हैं और इस ब्रिज की सुविधाएं प्रदान करने में किस तरह से अहम रोल निभाते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी। और हमारे साथ स्कूली बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार आए दिन जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार, मैं हूँ गीतू देवी, मैं पीजी कॉलेज रोरी में पढ़ती हूँ। पर हमें सुबह जहाँ से आने में बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ से हमें सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता है, हम जहाँ से जब चढ़ते हैं हमें बैग संभालें कि जब खुद से ऊपर चढ़े तो मतलब हम कई बार अगर पैर फिसल जाए तो सर्दियाँ आ रही हैं, कोहरा वगैरह पड़ता है तो कुछ भी, मतलब सीढ़ी भी इतनी वो है कि कभी भी टूट सकती है, तो कुछ भी हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से ब्रिज बनाया जाए। पिछले 2014 में ब्रिज टूटा था, उसके बाद आज तक ये ब्रिज नहीं बना। तो जिस तरह से बच्चे बात करें तो एक तरह से अप्रोच रोड भी तैयार हो गई है, ये तस्वीरों में देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि लोग बेसहारा हो चुके हैं। एक तरफ से अप्रोच रोड बनी है, दूसरी तरफ से नहीं बन रही है, तो क्या कहेंगी?
यही कहेंगे कि रोड जल्दी से जल्दी बने। हमें पीछे भी 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर हमें पैदल चल के आना पड़ता इस ब्रिज की वजह से। अगर ब्रिज बन जाए तो हमें गाड़ियां जहाँ चल सकती हैं, तो हम अपने टाइम पे क्लासेस अपने अटेंड कर सकते हैं। अगर सुबह हमें 8 बजे जाना होता है तो वहाँ से हमें इतना पैदल आना पड़ता है सुबह ठंड में। तो इसी यही हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी ब्रिज बनाया जाए। और हमारे साथ भाई साहब है, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार जो है आए दिन आपके फोन कॉल्स हमारे चैनल्स में आते रहते हैं कि हमारी सुध लीजिए। और आपको बताते चले कि एक ऐसी स्टोरी है जिसको हमेशा हमने हाईलाइट किया, लेकिन विभाग के कानों तक जू तक नहीं रहती जनाब। और पहले ही हमने बताया कि यहाँ के चीफ इंजीनियर की बात करें तो एक विजिट तक नहीं किया एक साल में उन्होंने। और एक्सियन कालाकोट की बात करें तो वो भी चुपकी साधे और बताते चले कि किस तरह से लोगों की परेशानी दिन ब दिन उग्र रूप ले रही है। जी क्या कहेंगे? 2014 में फ्लड आने से हमारा ब्रिज टूट गया और उसके बाद अभी तक ये ब्रिज तैयार नहीं हुआ। एक साल से ठेकेदार काम कर रहा है ना, यहाँ पे चीफ इंजीनियर ना कालाकोट एक्सियन कोई भी नहीं आया, यहाँ पे किसी ने भी विजिट नहीं किया। ठेकेदार से पूछो तो वो बोलता है कि उनसे बात करो जाके, उन्होंने विजिट ही नहीं किया यहाँ पे। तो अब रही बात हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब शैलेंद्र चौधरी साहब, उनसे रही हमें उम्मीद कि वो कुछ करेंगे और उनको यहाँ पे आके देखें वो कि 2014 से लेकर 2024 तक क्यों नहीं काम हुआ, इस चीज़ की वो पूछे इनको डिपार्टमेंट से कि किस लिए काम रुका हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है। तो जिस तरह से एक तरफ से अप्रोच रोड बिल्कुल तैयार और दूसरी तरफ से जो है अप्रोच रोड तैयार करने में सुस्ती, क्यों? क्योंकि ठेकेदार से बात हुई है, वो बोल रहा है कि एक तरफ का पेमेंट जो भी उनको बिल्स वगैरह कुछ भी हुए, आगे उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। वो बोल रहे कि हमें परमिशन आएगी तो हम काम शुरू करेंगे। देखो उनको परमिशन ही नहीं, आगे काम कैसे शुरू करें? ये उन्होंने एक साल के अंदर कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल ओके है, यहाँ तक गाड़ी आ रही है, इसके आगे गाड़ी जाने का कोई साधन ही नहीं है। यहाँ से 2-2, 3-3 किलोमीटर घर है लोगों के, रोड़े तो दे दी, पुल का कनेक्शन देंगे नहीं तो गाड़ी कैसे जाएगी, बच्चे पैदल। यहाँ पे सीढ़ी आप जाके देखो, लकड़ी की सीढ़ी लगाई हुई है, किसी टाइम भी कोई भी गिर सकता है यहाँ से, उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ से गिर के किसी को लग जाती है तो चीफ इंजीनियर। तो जिस तरह से बात करें तो विभाग में चीफ इंजीनियर की चेयर जो होती है बड़ी चेयर होती है, क्या आज तक यहाँ सुध लेने पहुंचे वो? नहीं, आज तक एक बार भी नहीं आए वो यहाँ पे, ना एक्सिन कालाकोट आए और ना चीफ इंजीनियर हमारे जो पीठ पंजाल में बैठे हुए हैं वो भी नहीं आए। तो जिस तरह से बात करें तो इस ब्रिज से जो है 10-15 पंचायतों को जो है बेनिफिट मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो क्या आए दिन जो खुशी गमी होती है तो किस तरह से जो है वो सुविधाएं नहीं मिलती तो परेशानी होती है? देखो जिनके पास अपनी गाड़ी है वो तो 15-20 किलोमीटर घूम के चले जाएंगे, जो बेरोजगार ठहरे जिनके पास गाड़ी नहीं है उनको यही सामना करना पड़ता है। अगर दरिया है तो दरिया क्रॉस करना, ये करना, देखो पार वाली साइड से अगर पानी आता तो उस साइड भी पानी होगा, कहाँ से जाना उन्होंने? यही चीज है जो भी आप या आप मीडिया के माध्यम से हम चीफ इंजीनियर साहब और एक्सिन से ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक काम क्यों रुका हुआ है। देखिए कि पहले ही हमने कहा कि आप सीधा जो है सोच बन रही है सुरेंद्र चौधरी पर की किस तरह से जो है इस काम को आड़े हाथ लेते हैं और किस तरह से लोगों की परेशानी का हल निकलता है जनाब। और हमारे साथ भाई साहब इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से दोबारा हम बात करेंगे कि अप्रोच रोड एक तरफ से तैयार और दूसरी तरफ से तैयार नहीं तो कितनी परेशानी आ रही है आपको? पहले सबसे कहता जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस टाइम में आपको हम बुलाते हैं हमारी मुश्किल के लिए आप हमारे अंदरोला गाँव में पहुंचते हैं, तो कम से कम हमें 10-15 बार आप मीडिया वालों को हमें इधर बुलाया कि हमें गाँव अंदरोला पोठा कर दिनों, जो 15 गाँव हैं इस पुल से जो अटैच होते हैं बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। एक्सन कालाकोट को भी हमें बोला है, कितनी बार बोला है कि वो मौके पर आए, देखें आज तक वो इधर अंदरोला ब्रिज पे नहीं आए। तो इस पुल की वजह से कम हमारी हैं 3-4 जो हैं इधर मौके पर डेथ भी हुई है इस पुल की वजह से, कि पुल नहीं होता तो जब नाला आता लोग नाले से क्रॉस करते हैं तो 3-4 मौतें हुई हैं। तो हम अपना शैलेंद्र चौधरी जो हमारे डिप्टी सीएम बने हैं हम उनकी बहुत हमें खुशी है कि लास्ट हमारी उनके ही उम्मीद है कि वो हमारे चीफ जो हैं डिप्टी सीएम चौधरी शैलेंद्र चौधरी जी वो मौके पर आए और हमारा जो ब्रिज है ये देखें और हमारे लोगों का जो मसला हल करें। तो इसके पहले हमें 10-15 बार हमें कोई मिनिस्टर कोई मतलब महकमे वाला सबके पास हम थ्रू भी गए, उनके पास मीडिया के थ्रू भी उनको खबर भिजाई है, सब कुछ जो है कर दिया है। तो अब लास्ट हमारी बारिंग है उनको कि वो हमारा काम करेंगे, अगर उनकी भी सुनाई नहीं होगी
तो उसके बाद भी नहीं अगर काम शुरू होगा या कुछ अप्रोच हमारी नहीं बनेगी तो हम 10 या 15 दिन का हम टाइम देते हैं, उसके बाद हम रोड ब्लॉक कर देंगे, फिर आगे गवर्नमेंट खुद देख लेगी क्या करना है क्या नहीं। जिस तरह से हमने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी पर लोगों की आस जुड़ी कि अब होगा इसका कार्य, और उन्होंने कहा कि अगर कार्य नहीं होता है तो इस पर जो है 10 से 15 दिन का समय देते हैं कि इस काम को शुरू किया जाए, अगर शुरू नहीं किया जाता तो इस पर ऊपर प्रदर्शन करेंगे 15 से 20 पंचायतों के लोग, वो लोग तब उठेंगे जब इस पुल का होगा पूरा काम। करें तो लोगों को आ रही है सर इस पुल की बहुत परेशानी आ रही है, इस पुल को तकरीबन 20 से 25 गांव इस पुल से जुड़ते हैं, कालाकोट से लेकर नुशहरा तक, नुशहरा से लेकर रजौरी तक, यहां पर हमने 15 से 20 25 बार मीडिया वाले भी आए हैं, सबके आगे हमने रिक्वेस्ट की है, मोहर लगाई है कि इस पुल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आज तक ना तो डीसी साहब रजौरी डीसी साहब यहाँ आए मौके पर देखने के लिए, लोगों की परेशानी सुनने के लिए, ना ही कोई किसी डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ आया। एक टूटी सीढ़ी जैसी लगाई है, उस पर लेडीज हो जेंट्स हो चाहे छोटे बच्चे हो स्कूल जाने वाले, वो भी उसी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, अगर उसे नॉर्मल सा पाँव फिसल जाएगा किसी का नीचे गिरेगा उसकी वहाँ पर डेथ हो जाएगी। यहाँ पे इस पुल की वजह से कुछ नहीं तो 5 जो है मौतें हो चुकी हैं, मगर एडमिशन इतना सोया हुआ है, हम इतने तय दिल से कहते हैं कि डीसी साहब को यहाँ मौके पर आना चाहिए, आके यहाँ पे देखें, लोगों की मुश्किलात को सुने, जब किसी इस डिपार्टमेंट को या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की इस पब्लिक की जरूरत पड़ती है तब ये आ जाते हैं, मगर ये परेशानी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा। देखिए कि हर व्यक्ति की यही आस होती है कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आए और देखे और ले हमारी सुध। परेशानी है हमें आने जाने में, बहुत परेशानी है, सीढ़ी लगी हुई वो भी टूटी हुई है उधर, तो पता नहीं कौन कहाँ गिर जाएगा उधर, तो डंडे उसको जो लगे हुए हैं सीढ़ियों के वो भी पूरे टूटे हुए हैं, अभी बहुत बच के जाना पड़ता है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सुरेंद्र चौधरी से जल्दी ये काम शुरू होना चाहिए। तो जिस तरह से देखिए हर व्यक्ति की यही आज की इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने किताब पीर पंजाल से, जी हाँ बताते चले तो सुरेंद्र चौधरी पर आस लोगों की कि अब जो है जो कार्य रुके थे उन पर जो है कृपा दृष्टि पड़ेगी और कार्य शुरू होंगे, और देखते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है हलचल में आती है और किस तरह से करती है काम, और तस्वीरों में बताएंगे कि किस तरह से 2014 में कार्य शुरू हुआ लेकिन आज तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ कार्य, और कंप्लीट ना होने के कारण किस तरह से जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, और किस तरह से जो है जनता ने कहा कि जिसमें 15 से 20 पंचायतों के लोग जो है इसकी सुविधाएं ले सकते हैं अगर ये कंप्लीट होगा, लेकिन लोगों का कहना कि इस ब्रिज के तैयार ना होने से यहां से 4 से 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई और लोग जो आना जाना करते हैं बड़ी परेशानी का आलम बन जाता है, जो सरमायादार लोग वो तो गाड़ियां लेकर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेते हैं, लेकिन वो गरीब लोग जिनके पास सरमाया नहीं, जो कि दुख सुख में अपने लोगों के घर जाना चाहते हैं, लोगों के एरिया में जाना चाहते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं। वो इसलिए बेसहारा हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ से अप्रोच रोड तैयार अंदरेला ब्रिज की और दूसरी तरफ नहीं तैयार। दोबारा हम बताएंगे कि लोगों की परेशानी दिन ब दिन उग्र रूप ले रही है, और अब हम आपको पूरे दृश्य के साथ बताएंगे कि किस तरह से जो है एक तरफ से अप्रोच रोड तैयार दूसरी तरफ जो है तैयार नहीं। लोगों को कहना कि अगर विवाद की अंदर की कोई कमी है, कोई डॉक्यूमेंटली कमी है, तो उसमें लोगों का क्या कसूर, लोगों को जो है सुविधाएं प्रॉपर मिलनी चाहिए। और बताते चले कि अंदर की बात बताए सूत्रों के अनुसार इसके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी कमी अभी तक ठीक नहीं हुई जिससे ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रही और ठेकेदार को जो है निर्देश नहीं दिए जा रहे, इस पर कहीं ना कहीं काम रुका है। लेकिन लोगों का कहना कि विभाग की लापरवाही क्यों जो है भुगते जनता, आम जनता। अब सर ये अपील है कि पुल जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए, वो सारे जो बुढ़े बंदे जो उतू नहीं चली सकते, कुल गुठे नी सटे भनी सटे नहीं चाहे, दो त्रै मौत हुई इस पुला की वजह ने सारे थी, तो यह बिल्कुल हूं होने वाली है, अस गरीब जनता कुधर जाओ, बड़ी परेशानी है जनाब, तो सारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ी है जनाब, अस बुढ़ा बंदा बड़ा मुश्किल है, निके निके बच्चे नहीं बड़ी मुश्किल है, तो तुम्हारी हाथ जोड़ी है महाराज, जे सारा पुल है जरा थोड़ा दूर आ रहा निके निके बच्चे
बड़े परेशान बढ़ परेशानी तो बच्चे कई था बंदे त्रै चार जगह खत्म हो गए तो यह जोड़ी है सारी जे जल्द जल्द तैयार होना चाहिए। सर इस पुल की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है तो हम नहीं चाहते आगे ही ऐसे नुकसान होते रहे, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पुल का जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। हमारे गरीब लोग बहुत परेशान हैं, कृपया डिप्टी सीएम से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पुल का जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। बहुत परेशानी में आया जहाँ पे पुल की बहुत मुश्किल हमारे आ रही है तो हम यही कहना चाहते हैं कि पुल की हमारी मुश्किलें जल्दी से जल्दी हल करें। डिप्टी सीएम से हम जोर अपील करना चाहते हैं कि जनाब जल्दी से जल्दी हमारे पुल की कोशिश करें और हमारा पुल जो है तैयार कराए। सर हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए क्योंकि बहुत दुर्घटना हुई इधर तो आगे भी चांस बढ़ रहा है क्योंकि पौड़ी हमारी बिल्कुल खत्म है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुल तैयार किया जाए। हमारी पूरी जो अपील है कि पुल को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए।